गुड मॉर्निंग दोस्तों, बड़ को नमस्कार, छोटे को ढेर सारा प्यार, हमारी दोस्ती रहेगी बरकरार। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, थोड़ा बोलते हैं ना, अंदर से तंज हो गया, एकदम टाइट हो गया है, कस दिया नट से ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा वापस नॉर्मल हो जाएगा तो हो जाएगा। ट्रैक के बोलते हैं ना साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ा चढ़ाई के कैंप के साइड इफेक्ट्स, कि हाँ बॉडी को हम उस दिन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क ऑन में कर देते हैं डेली रूटीन से थोड़ा हट के। हाँ, थोड़ा ज़्यादा मैं मतलब बोलते हैं ना 100% बैटरी टोटली इफेक्टिवली एफिशिएंटली और पूरा घिस के यूज़ हो गया दोस्तों। तो हाँ थोड़ा है भाई, ऐसे लग रहा है दर्द वर्द, इसे घूम रहा हूँ तो भी पता नहीं क्या होएगा, लेकिन हाँ दर्द है। लेकिन दोस्तों एक दिमाग में जो रहता है ना मेमोरी, इसे वो क्रिएट कर लिया, बहुत अच्छा लगा। आपको क्या बताओ दोस्तों, मतलब अलग एक्सपीरियंस था। बोलते ना बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिसमें हंसी मजाक वाले थे, बहुत सारे ऐसे भी हुए कि हाँ इनको हम भूल नहीं सकते, फिर बहुत लोग गिरे विरे भी, वो सब भी मैं दिखा नहीं पाया। एक्चुअली मान लो दोस्तों बैटरी का बहुत इशू था, मेक श्योर करना कि 5-6 पावर बैंक अलग से लेके चलो, नहीं तो एक दो पावर बैंक से कुछ नहीं था। हम लोग 9-10 लोग थे और 2 पावर बैंक और हालत टाइट, सब ने चार्जिंग किया पूरा उड़ गया, लास्ट में हम चार्जिंग नहीं कर पाए फोन को। उतरते समय तो भाई नीचे उतरते समय तो हालत टाइट थी मालूम है क्या, उस समय तो भाई बंदर वंदर का एकदम दादागिरी था, गैंग वैंग ऐसे, तो कैब भाई को तो पकड़ पकड़ के बोलते ना, उनका बॉटल वॉटल बंदर ने फेंक लिया और नरेश का पूरा कपड़ा वपड़ा ऐसे छीन लिया और उसका एक कपड़ा नीचे भी गया खाई में, तो बेचारा लॉस था। बंदर लोग का एकदम दादागिरी था, मेरे को कुछ नहीं गया, मैं तो भाग गया बाबा, ये समय मेरा कुछ नहीं। चले कोई नहीं, ऐसे ही कैंप जाएंगे मजे करेंगे और क्या, वेट करते हैं प्लान होगा वापस तो वापस जाएंगे, उसमें क्या है, नई नई चीज़ें और नया एक्सप्लोर करेंगे, नया एडवेंचर करेंगे और आपको भी फुल आइडिया देते रहेंगे। तो चले कोई नहीं, उधर का तापमान वापमान दोस्तों और मेक श्योर करना ठंडी वंडी अगर आप लोग भी जाते हो तो ठंडी और चादर वादर ये सब लेके चलो। और हाँ थोड़े बोलते ना गर्म रखने वाले मटेरियल्स लेके आए, फॉर एग्जांपल गर्म पानी थर्मस में एक अलग से लेके चलो, आपको लगेगा ये सब चीज़ मस्ट है। थोड़े जलाने वाले के मटेरियल्स भी, बॉनफायर करोगे ठंडी गर्मी भी बन लेने के लिए, और इनकेस अगर आप लोग को ज़्यादा समय है तो टैबलेट्स वैबलेट्स ही लेना, थोड़ा हो सकता है आपको फीवर या फिर कफ कोल्ड हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखते अभी तो घर पर आ गए, मम्मी बोली कैसा था, मम्मी से बातचीत किया, बताया मम्मी को क्या करना, मज़ा आया, मम्मी भी देखी फोटोज वीडियो, अच्छा लगा मम्मी को, अभी मतलब ब्लॉग में देखो। और हाँ चलिए अभी चलते हैं नाश्ता देखते हैं, नाश्ते में क्या नाश्ता करते हैं। नाश्ते में है करेले का भरवा और रोटी, रोटी इधर है तो चलिए करते हैं रोटी और करेले का भरवा और इन्जॉय करते हैं दोस्तों। और क्या दोस्तों, ये रहा फाइनली खाना, रोटी एंड करेले का भरवा रात वाला है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ड्राई वाला रहता है, मसाला रहता है तो जल्दी इसमें ख़राब होने का कुछ शंका नहीं रहता है, तो यस ये चल जाता है थोड़ा। तो नाश्ते में मम्मी ने बोली यही खा ले और रोटी, तो चलिए खाते हैं नाश्ते में रोटी और करेले का भरवा। हाय यार दोस्तों, कब छुटकारा मिलेगा, मेरे को इतना पसंद नहीं है, इतना सरसों वाला तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब खाना पड़ेगा। खाने नाश्ता हो गया और अभी हमें जाना है अपुआ का शिफ्टिंग करने के लिए नए वाले घर में, आपको पता है, और सामान बुआ के घर है तो बुआ के घर से इधर से लेके उस साइड जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, मम्मी का पूजा हो रहा है, मम्मी को बोल देता हूँ निकल रहे, पूजा करिए, मम्मी जा रहा हूँ अपुआ के घर, ठीक है ना, तो दिखाइए, चलिए चलते हैं, लेट्स गो। वो निकल पड़े हैं, देखते हैं कितना सामान है, कितना टाइम लगेगा वो तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। दोस्तों सामान फाइनल बुआ के इधर पहुँच गया और सामान अभी ऊपर से लेके आते नीचे, 1% सामान आ चुका है, 99% बाकी अभी ऊपर ही है, तो 1% अभी इधर है, चलिए लेके आते अभी और। हाँ तो फेरा भाई भी आए, अपुआ ने फेरा भाई को भी बुला लिया, चलिए अभी चलते हैं सामान लेके आते हैं। पता नहीं अपुआ सारे ये सब काम ही हमें याद करते हैं, खाते पीते समय कभी याद नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें बस बुलाते रहते हैं, ना हमारी ताकत ना कुछ, और हमें बुला रहे, वाह मजदूर हो ऐसे। चलो ठीक, कोई नहीं भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। वो सामान वामान निकाल रहे हैं, इतना सामान निकल गया, अभी तो सामान को नीचे लेके आना है, चलिए अभी और सामान आना बाकी है, तो और सामान जैसे आएगा फिर सब एक एक करके लेके नीचे आएंगे। तो फाइनली अपू भाई आ गए सामान लेके, अभी लेके निकलते हैं। अभी 2 सामान खाली गया था, वापस 2 सामान भर दिया अपू भाई ने, अपू भाई का कुबे का खजाना है, ख़त्म ही नहीं होता। चल पड़े, अब मुझे भी उठाना है एक गोनी, इसको गिरने ही दे, कपड़ा ही है, अभी चलिए उठाते हैं। और ये भी है, फटाफट चलते हैं। तो हमने साइंस का प्रयोग करते हुए ग्रेविटी को कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हमने ऊपर से सामान नीचे फेंका और सामान इधर सारे आ गए, इतना सारा सामान है। चलिए रिक्शा भी ढूंढो, रिक्शा में डालना है फिर। तो अपू भाई अभी ऑटो वाले से बात कर रहे हैं कैसे करके, और इधर सामने मना रहे उनको कैसे करके लेके आने के लिए, प्लीज़ भाई प्लीज़ लेके चलो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज करें। और फाइनली ऑटो वाले रेडी हो गए, मान गए ऑटो वाले 60 में मान गए, अभी सामान डालना चालू हो गया है, चलिए फटाफट डालते हैं सामान ऑटो में, ऑटो वाले को रोकने बोल दिए, चलिए डालिए भाई डालिए,
एक दिन यहाँ से बिहार जाएंगे हाँ, एक दिन ऑटो को लेके बिहार जाएंगे। सामान भरा जा रहा है, पोहा अभी इधर से डाल रहे हैं। भरो भाई भरो। अंकल एकदम टेंशन में है भाई, मेरे ऑटो की क्या हो रहा है, लेकिन अभी भाई का पैसा दे रहे तो करना पड़ेगा काम। तो अपू भाई एकदम अच्छे से भर रहे हैं, अच्छे से भरो भाई, मैं और सामान लेके आता हूँ। ये भी उठा लेता हूँ, है कि नहीं, एक से भले दो किलो पोहे। चलो भाई सेट करो अच्छे से। तो मस्त हर जगह सेट कर दिया गया है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। भी अंकल अंकल आइडिया दे रहे हैं। हो गया ना भाई, क्या और भी बाकी है कुछ? ओ अभी और थोड़ा सा बाकी है, लास्ट के दो सामान बस ख़त्म। पता नहीं बाकी वाले ऑटो वाले बोलेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम से तो कभी आऊँगा ही नहीं। चलो बैठो अपू भाई, आप आते हैं हम डायरेक्ट अपने ऑफिस के पास। हाँ चलो, फाइनली ऑटो जा रही है। सोचो मेहनत किया, काम हमने किया और जा रहे हैं अपू भाई है, और हम चल के धूप में आ रहे हैं। हाँ फिर आइए, कहाँ का न्याय है? ये न्याय अपू भाई ने कौन से गांधी जी का बुक पढ़े? कभी न्याय लागू नहीं होता अपू भाई, बहुत बड़े अन्याय है अपू भाई के घर। लेकिन याद रखना देर है, अंधेर नहीं भाई। नहीं नहीं अंधेर ही है भाई, देर अपू भाई के घर रास्ते कभी लाइट ही नहीं आई, तो क्या देर की बात, अंधेर की बात कर रहा हूँ अभी। छे अंधेर ही है, अंधेर नहीं है, सही बात बोल रहा है। फिर जो रास्ते पे चलते हो, रास्ते पे कभी उजाला नहीं होता। चलो अभी चलते हैं, हमें तो धोखा दे दिया अपू भाई ने। देखो हमने सामान उठा ऊपर से, जब मानता अपू भाई ने गिरी उनका सामान था, और हम चल गया अपू भाई ऑटो से आ रहे हैं। ये है हमारे इधर का न्याय फिलोसफी राइट। दोस्तों चल चल के पहुँच गए साला, कल ट्रैकिंग किया, कल सोचो कल ट्रैकिंग किया इतना चला, और आज अपू वापस चला रहे। कल बस ये था कि कल ऊपर चढ़ना था, आज रोड पे चलना है धूप में। कोई नहीं अब चलना है दोनों से में, फिर चल रहे, ऑलमोस्ट पहुंच गए, जस्ट थोड़ा सा अभी 2 मिनट का फासला है फिर पहुंच जाएंगे, फिर सामान उठाना है और वापस ट्रैक करना ऊपर, एग्ज़ाम है फिर। लेकिन फिर भाई को अपू ने जोर से बुलाया कि अपू भाई मतलब कितने मतलब ही हो गए। अपू भाई के साथ न्याय नहीं होता, सिर्फ अन्याय होता है। अपू भाई दूसरे के साथ न्याय करते हैं ऐसा बोलो, एग्ज़ाम का समझे नहीं। चलो देखो अपू पहुँच गए, और देखो वही देखो अपू भाई उधर है। हमारे आते आते अपू भाई ने पूरा सामान खाली कर दिया। अपू भाई वेरी फास्ट। अपू भाई ने ऑटो वाले के साथ भी न्याय नहीं किया, उनका ही धंधा पानी खाली है बेचारे अंकल। अपू भाई क्या ये, किसी के साथ तो न्याय करो। हाँ झगड़ा हो गया था भाई का। अच्छा आपका झगड़ा हो गया था भाई, भाई खुश हो रहे। झगड़ा झगड़ी में क्या रखा है, गांधी की बापू की बात सुनो यार आप। सामान लेके आए दोस्तों, और अपू भाई इतने नौसिखिए गेट नहीं खोले, थक गया इतना बड़े बड़े सामान उठा के, बाप रे खोलना चाहिए था ना फटाफट। चलिए चलते हैं, इसको भी फिलहाल उठा के आपको दिखाता हूँ। ये पकड़ो, ये भाई क्या बज रहा है, कुकर बजा रहेगा, ये लीजिए भाई। चलो नीचे चलते हैं, आज तो वेट लिफ्टिंग है। ओ दोस्तों ये क्या है, तिरंगा। बहुत गुस्सा है मुझे देख के, मेन बस में गुस्सा ही हूँ और कुछ नहीं। चलिए चलते नीचे। तो दोस्तों फाइनल पूरा सामान एकदम ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया है, हालत है तो वो ढके, लेकिन हो गया फाइनली शिफ्ट। क्या बताओ दोस्तों, क्या बताओ, देखो भाई बोले थे सिर्फ 3 से 4 बैग और इधर 15-20 बैग है। फिर आप भाई तिरंगा को अच्छे से लहरा रहे हैं, अच्छे से फोल्ड करना भाई, लहरा दो है। अच्छा नहीं आता, नहीं कैसे भी करो, अभी नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट है दिल में। और अपू भाई फाइनली पूरा सामान अंदर डाल दिया है। भाई सामान उठाओ, सर्दी हो गई आपको सामान उठाओ उठाए। चलो चलते हैं, अभी फिलहाल सामान रख लिया, अभी घर पे जाता हूँ यार। अब मेरा वापस ये दर्द हो रहा है, सोचो पहले सोचा था एकदम ऐसे हो गया, लेकिन अब नहीं, अब वापस एकदम जाम हो गया है, क्योंकि आज मैंने रेस्ट नहीं लिया। अब मुझे ऐसा लगता है रोज मेरे को पहाड़ पे ही चलना चाहिए, सच में बॉडी को आदत लगा लेता हूँ, ऐसा मजा ही आ जाएगा। बाकी घर आ गए, 2 सिलेंडर गैस स्टोव और 2 गद्दे, अभी क्या कर दे वापस लॉजिक लगा साइंस, गद्दे को फेंक सकते हैं, और गद्दा एक बार मखमल सा बेस बनाएगा नीचे, तो सिलेंडर को उसके ऊपर फेंक देते हैं, क्या बोलते हो मास्टर माइंड? मुझे तो लग रहा है एकदम परफेक्ट प्लान रहेगा, है ना? मैं फेंक देता हूँ गद्दा और आप सिलेंडर फेंक देना। ओके फेंक दो अपू भाई को बोल देते और फेंक देते हैं। तो अभी अपू भाई गद्दा लेके आ रहा है, अभी गैस स्टोव और ये लेकर आ रहा है।
चले चलते हैं भाई, ये तो भरा हुआ है खाली है, चलो चलते हैं। फाइनली ये आ गया, गद्दा और गैस इधर हो चुका है, चलो अभी ऑटो लिखा दे वापस। फाइनली दोस्तों ऑटो वाले भैया मिल गए अभी, मैं और फिर जा रहे हैं बैग मेरे घर पे, मामे एक ही लगा दीजिए, वो बैग निकाल के अभी इसमें डालेंगे और फिर वो आगे घर से जो सिलेंडर है वो भी इसमें डाल के निकल जाएंगे, तो अभी फिलहाल मेरे घर पे जा रहे हैं। वो बैग था वो हटा दिया है, वो बैग इधर है, अभी चलिए बैग उठाते हैं और लेके चलते हैं। पहले डाल दिया है, अभी सिलेंडर से डाल रहे हैं अंदर बारी बारी से। अपू भाई तो फाइनली पूरा सामान आ गया है, क्या हो गया, हंस रहे क्यों आप, सामान आ गया यार, खुशी बनाओ, हंस रही क्यों, जूक मार रहेगा, ये मैंने तेरा कुछ हंस रहा है इसके लिए कि अब और काम नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। देखो अबू भाई कैसे बैठे हैं, अबू भाई देखो कैसे बैठे हैं भाई, जाने के लिए बैठ बैठ, इंसान है वो, बच्चा नहीं भाई साहब, बैठ गए, नहीं हो रहा, तू बैठ जा नीचे, बैठ गए हम लोग पहुंच गए, अभी सामान निकालेंगे और फिर सामान ऊपर रखना है वापस। क्या बात है विवेक भाई, क्या सामान उठाया आपने, और गद्दा वद्दा भी फाइनली आ गया, चलिए सारा काम संपन्न हुआ, ट्रांसफरिंग का गेट लॉक करें, अभी हम चल पड़े घर के लिए, चलो भाई चलो, आज का वर्कआउट डन दोस्तों। हमने उठाए 4-5 बैग, फिर 2 सिलेंडर लिए ऊपर, 2 बार सीट पे चल उतर किए, फिर की ऑटो बुक में, ऑटो में डाला सारे सामान, फिर सामान उठाए, गद्दे उठाए और काम समाप्त किए, दोस्तों घर पे पहुंच गए, सारे काम खत्म करके बस फटाफट अभी गेट खोल दिया है। ए मम्मी मम्मी खाने में क्या बन रहा है, रोटी और भाजी, मम्मी पापा खाए आज, फिर पिज्जा खाया, मजा आ गया, आलू भिंडी की भाजी है, आलू भिंडी की भाजी खाली भिंडी, दोस्तों अभी भिंडी खाएंगे, चलिए तो वेट करते हैं खाना बनने का, और क्या दोस्तों फाइनली खाना बन चुका है, और बन चुका है तो खाने का समय आ चुका है, चलिए खाना खाते हैं, खाते हैं। मम्मी ने बोल तो दिया आपको पहले कि भिंडी की भाजी और रोटी, भिंडी की भाजी और रोटी, तो हमें भिंडी की भाजी खाना है, चलिए लग जाते हैं भिंडी की भाजी खाने में, निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कैसा है भिंडी की भाजी। तो दोस्तों ये रहा भिंडी की भाजी, ये रहा रोटी, चलिए भोजन स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं भोजन के बाद। फाइनली खाना हो गया, चलिए नहीं एडिटिंग करते हैं दोस्तों, एडिटिंग करने करते करते मुझको नींद आ गई थी और मैं सो गया था, एडिटिंग नहीं हो पाया, और शाम को अभी सो के उठ चुका हूँ फाइनली, अभी चलते थोड़ा नीचे खिलकाते हैं, थोड़ा अजीब सा गैस टाइप हो गया है एसिडिटी, तो थोड़ा वॉकिंग खेलेंगे वेलेंगे तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन हो जाएगा अच्छे से, चलो चलिए देखते आज खेलने आएंगे लेट्स गो, चलिए दोस्तों चलते हैं खेलने लेट्स गो ब्रदर, चलिए चलिए फटाफट चलते, सब लोग पहुँच गए, फाइनली हम लोग खेलने आ गए, क्या टीम क्या है, टीम क्या है अरे भाई आप है, विक फैन भाई, पड़ोसी का है, पड़ोसी क्या मजा की तरह कैसा चल रहा है, अभी चले खेलते हैं, मैच स्टार्ट हो चुका है, हमारी बॉलिंग है और सामने वाले की बैटिंग है, ये हमारे टीम के एक मेंबर है, ये भी हमारी टीम के एक मेंबर है, और ये फील्डिंग बहुत अच्छी सी है, नाइस वन चुप, गालियां दे, समझा क्या, ओए और आपका टांग भाई हवे में था, नहीं आपका टांग हवे में, आ जाओ कोई नहीं, आ जाओ चलो, ये तो अभी फेरा बॉलिंग के लिए चला गया है, बाकी हमारे फील्डर, रन कितना उनका, रन पता नहीं भाई लेकिन अपन जीत जाएंगे, रन कितना हुआ उनका, तो फेरा बोल रहा है छक्का मारने वाले मेरे को कैच करना है, चल रेडी डन, पाचा छक्का ही मार दिया, मिस, टीम को 5-20 रन चाहिए, इंटेंस मैच है, सामने बैट्समैन अजय है और बॉलर में आ गए ऋषभ भाई, क्या हो पाएगा, यॉर्कर, नहीं 4-20
आर्ग्यू है बाबा, इधर डिबेट चालू है, तू कहाँ बीच में आउट चालू होता है। चाहिए और बैट्समैन चेंज। आराम से यार, थर्ड गोल मार रहे हैं, अगर इन्हें गोल मार दिया तो शायद मर जाएंगे। क्या है, मार पाएंगे? हाँ मारना, चल मार। नहीं जाएगा, ले क्लोज ले, क्लोज ले। ए भाई, ए ऐसे तो हम जीत गए भाई, मेरा सबसे ज्यादा पास था। टोला, शॉन टोला। फाइनली हम हार गए, वो क्लोज वाले में हमारा दांत उड़ चला गया और सामने वाले ने एकदम पोल के आसपास मार दिया। हालांकि मेरा पोल गया था लेकिन वो गोल के समय था तो हम हार गए। बहुत शानदार, हम हारे नहीं बता दे तो, लेकिन पड़ोसी एकदम भाईयात खेला। नहीं नहीं, मैं अच्छा खेला गाइस, आपने देखा क्या प्रूफ क्या आपके पास? शॉन भाई आज नए प्लेयर आए थे, ही प्लेड वेल। तो चलिए अभी चलते हैं घर में, एक हार के बाद ज़्यादा मैं खेलता नहीं हूँ, समझ रहे हो ना भाई। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, फटाफट घर चलते हैं भाई साहब, डेली लेट खिलाई नहीं तो। और पड़ोसी जी भी चढ़े आएंगे ना भाई। हाँ भाई चलो चलते हैं, खाना खाने का वेट करते, जैसे खाना बन जाएगा तब खाना खाएंगे। फाइनली खाना बन गया है, चलिए खाना खाते हैं और देखते हैं खाने में है क्या। आप ये क्या खा रही हो? क्यों मेरे को वो नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है? क्या खाना नहीं, बंद करो चले। ये नहीं, नियादी नहीं ले रही मम्मी, नियादी नहीं ले रही क्या? हम क्या क्या बात कर रहे हो आप? नॉर्मल तू नहीं, नहीं चल तुझे भी नहीं पसंद क्या? मैं खा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। मम्मी खाने में क्या जुनाज नहीं खा रही? मम्मी खाने में क्या जुनाज नहीं खा रही? मैं यहाँ पर हूँ, नादी क्यों नहीं खा रही? दोस्तों खाने में आलू और दूधी का खाना और राइस, चलिए खाना खाकर मिलते खाने के बाद। दोस्तों तो फाइनली खाना खा के हो गया यार, पेट भर गया, ओके था खाना। चलिए तो व्लॉग एंड करते आज का इधर ही, तो होप आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, प्यार करिए, बने रहिए, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, तंदुरुस्त सुरक्षित रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। बाय दोस्तों, गुड नाइट। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, टर्न ब्लॉग से दोस्तों, तो लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। बाय दोस्तों, गुड नाइट। मम्मी तो सो गई है, तो मम्मी का कैसे उठाओ और बाय बोलूँ तो? कोई नहीं, बाय मम्मी की तरफ से, बाय।